डीजे के मीट द प्रेस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। उनके साथ नवाबजादा अमीर आमर अली खान साहब मक्सी MNA तशरीफ़ फरमाए, जो कमेटी के जो कश्मीर कमेटी के रुकन हैं, और इसके साथ साथ इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कश्मीर कमेटी के रुकन हैं। हजरात, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आप सब जानते हैं कि इनकी एक तवील सियासी जदोजहद है, तवील अरसे से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते चले आ रहे हैं। इनकी अपनी सियासी पार्टी है और इनकी एक से है, पाकिस्तान की अपोजिशन के लीडर भी रहे हैं। इससे पहले वो फॉरेन अफेयर की जो कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसके चेयरपर्सन भी रहे। तो अब ये गुज़श्ता 3 साल से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। अपने बारे में और कश्मीर कमेटी क्या किस किस्म के काम कर रही है वो तो ये खुद बताएंगे। मैं इसके साथ साथ अपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वजात अली खान साहब का भी तारफ करा दूँ, जो यहाँ पे खबरों के ब्यूरो चीफ हैं और बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ साथ आप हजरात जब बात करेंगे, मौलाना से सवाल करेंगे, किसी भी रुकन से सवाल कर सकते हैं, गुरम दस्तगीर खान साहब से भी और आमर अली मक्सी साहब से भी आप सवाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले आप सवाल मैं कर दूं, उसके बाद इससे मौलाना कश्मीर कमेटी के हवाले से यहाँ पे बरतानिया में तशरीफ़ लाए हैं, ये 2-3 मिनट की स्पीच दे लेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर देंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब से मैं पास करूंगा कि उसके बाद आप जो सवाल करना चाहें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबीयल करीम वअला आलिही वसहबिही वबारक वसल्लम। जनाब वजाहत अली खान साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जनाब आसिफ डार साहब, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी PJA, और PJA के तमाम मुअज़्ज़ज़ अराकीन, सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बरतानिया में सरकारी दौरे पर आए हुए कश्मीर कमेटी की इस वफ़द को खुसूसी तौर पर अपने यहाँ दावत दी और कमेटी को अपने ख्यालात के इजहार का आपने मौका अता फरमाया। कश्मीरियों के साथ और मसले कश्मीर के साथ पाकिस्तान की संजीदगी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्लियामान की सतह पर बाकायदा एक कश्मीर कमेटी कायम की गई है। 1993 से ये कमेटी पार्लियामान की सतह पर कायम की गई। और तब से तसलसल के साथ कश्मीरी काज की तर्जुमानी के लिए कमेटी मुसलसल फ़ाल रही है। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं,
यकीनन पाकिस्तान के लिए भी और कश्मीरियों के लिए भी मुश्किल हालात हैं। बैन-उल-अक़वामी सतह पर गुज़श्ता दहाई में उभरने वाले आलमी सतह के इनकलाबात और तगैरात ने आलमी सतह पर तरजीहात भी तब्दील कर दी हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कश्मीर कमेटी के लिए कि वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए जो पहले कश्मीर हमारे खारजा पॉलिसी का महवर हुआ करता था उसे दोबारा तरजीह अव्वल पर लाए। ऐसे हालात में जबकि ऐन मुमकिन था कि कश्मीरी कौम में मायूसी पैदा हो और वो पाकिस्तान से नाउमीद हो जाएं, कमेटी ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान की यकजहती भरपूर हो, कश्मीरी कौम ये महसूस करे कि पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना है, उसकी पुश्तपनाह है। और इस हवाले से मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी कमेटी मुतहरिक हुई। मैं आप हजरात को ये बताता चलूं कि मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए हमने सबसे पहले पाकिस्तान की मीडिया को कमेटी में बुलाया। और सबसे पहले हमने मीडिया से अपील की कि अगर हम पूरी दुनिया में मसले कश्मीर को उजागर करना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि उसके लिए सबसे अव्वलीन किरदार पाकिस्तान का मीडिया अदा करे। इस हवाले से कश्मीर कमेटी ने वज़ारत इत्तला'आत को अपनी कमेटी में बुलाया और उनको उनकी जिम्मेदारियों से आगाह भी किया और उसके लिए हिदायत भी दी। हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान मिशन्स को खतूत लिखे हैं कि जहां जहां पाकिस्तान मिशन है वहां वहां पर वो मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए अपनी जिम्मेदारी बजा रहा है। वहां जो पाकिस्तान की पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको बाहम मरबूत करें, मकामी कम्युनिटी के साथ रابطے करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारे लिए सफीर की हैसियत रखती है, उसे इस मकसद के लिए बरोकार लाया जाए, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। मुल्क के अंदर भी हमने चारों सूबों के वज़राय आला, गवर्नर्स, असम्बलियों के स्पीकर्स, सेनेट के चेयरमैन और तमाम वो इदारे जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं या तमाम वो शख्सियात जो इंतहाई अहम मनासिब पर फायज हैं उनको कमेटी की तरफ से खतूत लिखे गए कि वो अपने अपने इदारे मसले कश्मीर की तरफ मुतवज्जह करें और उसमें अपना किरदार अदा करें। आज ये वफद बरतानिया आया है, हमने सबसे पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन में इस मसले पर इब्तदाई ब्रीफिंग ली है और
पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने अपने तमाम तौर पर फका की मौजूदगी में बरतानिया में इस हवाले से जितनी पेशरफ्त हो सकी है उसके बारे में हमें आगाह किया। ये बात हमारे लिए इत्मीनान बख्श है कि हमारे पाकिस्तानी भाई, कश्मीरी भाई जिन्होंने बरतानिया के इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबियां हासिल की, अच्छी तादाद में इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और हम उनसे बजा तौर पर यह तवक्को रखते हैं कि यहाँ जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है और जाहिर है कि यहाँ के इलेक्शन में उनका अपना एक असर रसूख भी है, अपना एक किरदार भी है, और कितने लोग हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में हैं और उनकी कामयाबी जो है ये पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के लोगों के मरहूनी मिन्नत है। वो लोग भी अपने पार्लियामेंट में और अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर कश्मीर के मसले के हल के हवाले से असरअंदाज हो सकते हैं। इस हवाले से आज हमारी मीटिंग हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर थर्ड वर्ल्ड सॉलिडरिटी के साथ हुई और मैं शुक्रगुजार हूँ पार्लियामेंट्री ग्रुप का जिन्होंने आज एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की। और जिसमें कहा गया कि चूंकि भारत सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद में 60 साल से रुकावट है, इसलिए उसे सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर नहीं होना चाहिए। बरतानवी पार्लियामेंट के बिल्डिंग में यह आवाज मामूली आवाज नहीं है और बरतानवी पार्लियामेंट का यह पैगाम हर सतह पर पहुंचना चाहिए। यह एक बड़ी अचीवमेंट है कि आज मुत्तफ़िका तौर पर यह कहा जा रहा है और जाहिर है कि अमरीकी सदर ओबामा ने इंडिया में जो बयान दिया और जिसमें उन्होंने उनके मुस्तकिल मेंबरशिप की हिमायत की, ये गालिबन उसी का रद्द अमल था। तो हम उनके इस हवाले से शुक्रगुजार भी हैं और ये पैगाम हर सतह पर पहुंचना चाहिए और इस तरह कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार हर सतह पर होना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूं और एक बार फिर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सर।